रविदास जी का जो मंदिर रहा दिल्ली के तुगलकाबाद में, उसको तोड़ने का, बल्कि इतना पुराना मंदिर है लोग, बहुत ही पुराना मंदिर आप देख सकते हैं, उसको पूरा तरीके से सरकार ने अतिक्रमण का नाम देकर के किस प्रकार से तोड़वाने का साजिश रचा। आप बताइए, अगर हम लोग सजग नहीं होते, जागरूक नहीं होते, अगर पूरा समाज SC ST कानून को लेकर के अगर भारत पर नहीं करता, सड़कों पे नहीं आता, जब रविदास जी की मूर्ति मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था दिल्ली के सड़कों पे नहीं आता, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ताकत है आप लोगों में कि सड़कों पे आप आए तब जाकर के सरकार को अपना फैसला जो है वापस लेना पड़ता है। चाहे रोहित कमुल्ला हो, उसने जो आत्महत्या की, बल्कि हम तो कहते हैं कि सरकार ने उसकी हत्या करवाने का काम किया। जो सिस्टम है उसके खिलाफ वो लड़ने का काम कर रहा था वो छात्र, लेकिन उसको शारीरिक मानसिक प्रताड़ना किस प्रकार से लोगों ने किया ये जग जाए। आज कहीं ना कहीं से जो मुद्दा जो गर्म है देश में, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, NRC है, CAA है, इसको आप लोग गहराई से समझिए कि भाजपा वाला जान बूझ के कहता है मुसलमान 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 मुसलमान। मुसलमान भाई लोग तो इस बात को समझ रहे हैं कि यह संविधान विरोधी कानून है, काला कानून है, लेकिन असल बात जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, खास तौर पे जो गरीब है, ये बात उनको समझने की जरूरत है। ये NRC जो कानून है, आप समझिए कि जो 1971 से पहले ही, ये कोई मुसलमान की बात नहीं, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है, जिसमें आप भी हैं, हम भी हैं, इसमें खड़ा हर एक एक व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं। आप बताइए, हम पूछते हैं, आप इस देश के नागरिक हो? हो कि नहीं, हाथ उठा के बताइए, इस देश के नागरिक हैं? हम लोग भारतवासी हैं। अब कोई एक दो आदमी हम लोगों को बोलता कि कागज दिखाओ तुम इस देश के नागरिक हो कि नहीं, तो हम मानेंगे? कौन होता है ये पूछने वाला? कौन लोग है ये लोग? वही लोग है जिन लोगों ने बरसों तक आप लोगों का शोषण करने का काम किया, वही लोग है। ये लोग नहीं देखना चाहते, ये लोग नहीं देखना चाहते कि इनको जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, एकदम नहीं देखना चाहता है। आज कहीं ना कहीं से जो भी हो सत्ता में आ गए लोग, जिस वजह से आया हो, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करके हम लोगों के मन में घृणा पैदा करके, जहर बो करके आज देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज लोग सत्ता में आ गए हैं और हम ही लोगों से वोट ले करके अब पूछते हैं, अब बोलते हैं कि तुम साबित करो इस देश के नागरिक हो कि नहीं। बोलता है कि वोटर आईडी काम नहीं करेगा। अरे वोटर आईडी काम नहीं करेगा साबित करने में कि हम इस देश के नागरिक है कि नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? बोलता है आधार कार्ड जो है ये भी नहीं हो सकता है सबूत दस्तावेज कि आप इस देश के नागरिक हैं, तो बैंक खाता से लिंक का लग रहा है। होता है पासपोर्ट का भी कोई मतलब नहीं, पासपोर्ट का मतलब नहीं, तो उसमें पासपोर्ट के ऊपर भारत गणराज्य यानी आप भारत के नागरिक है ये क्यों लिखा हुआ है? अब आप बताइए, कई जो दलित समाज में खासतौर पर रविदास समाज में कौन लोग हैं? मजदूर हैं,
मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जूता सीने का काम करते हैं, घर नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, भूमिहीन है, दिहाड़ी मजदूर है। अब आप बताओ कोई कागज है 1971 से पहले? कितना लोग के पास 1971 के पहले उनके पिताजी का को जमीन है? जब अभी कोई जमीन नहीं है तो उस समय क्या जमीन होगा? तो बताओ कौन, कितने लोगों के पास दादा के पास जमींदार थे? हाथ उठा के बता दीजिए। यहाँ कितना लोग के पास जमीन है बताइए? तो कागज तो होगा नहीं, तो आपको कर दिया जाएगा कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, आप भागो इस देश से।